जय हिंद साथियों। अभी सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने सीमा की भारत के नागरिकता के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने अपने बयान में बताया कि मतलब कि हमने श्रीलंका के, बांग्लादेश के, नेपाल के कई सारे युवाओं को, महिलाओं को, उनको भारत की नागरिकता दिलवाई है, पूरा लिस्ट ये दिखा रहे थे, लेकिन सीमा हैदर को क्यों भारत की नागरिकता नहीं मिली। आज के हम इस सेशन में जानने वाले हैं कि कैसे भारत की नागरिकता मिलती है। साथ ही साथ आप और हम यदि भारत के नागरिक हैं तो कैसे भारत के नागरिक हैं। और राज की बात यह है कि ये क्वेश्चन आप किसी से करिएगा कि आप भारत के नागरिक हैं तो बताइए कैसे हैं, तो वो बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आज की क्लास देख ही नहीं रहा है। आप देख रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हम भारत के नागरिक कैसे हैं। तो आज के सेशन में हम यही जानने वाले हैं कि हम भारत के नागरिक कैसे हैं, भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, सीमा हैदर को क्यों भारत की नागरिकता नहीं मिली, अगर मिलेगी भी तो कैसे मिलेगी, मिलने की संभावना भी है या फिर नहीं है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें सुनिएगा, सब कुछ निश्चित ही समझ में आ जाएगा। अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता का उल्लेख सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अब भारत जब आजाद हुआ तब ये बात आई कि भारत का नागरिक किसे कहा जाए, किसको किसको कहा जाए कि हाँ ये भारत का नागरिक है। तो तीन शर्तें रखी गई, इन तीनों शर्तों में से कोई एक अगर कोई फॉलो करता है तो वो भारत का नागरिक उसे मान लिया जाएगा। और वो तीन शर्तें क्या क्या थी, या तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या भारत जब आजाद, संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब से 5 वर्ष पूर्व से लगातार वह भारत में निवास कर रहा हो तब उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये तीन शर्तें थी जिसके तहत सभी लोगों को नागरिक माना गया, जो भी आज भारत के नागरिक हैं इन तीन शर्तों के वक्त तत्कालीन समय में उनको भारत का नागरिक माना गया। नहीं तो कोई भी कह देता चलो भारत का भारत आजाद हुआ है और वहाँ की नागरिकता मिल रही है, हम भी ले लेते हैं, ए चाचा हमऊक हो बटा तथा हमऊक द नागरिकता, तो ऐसा नहीं है ना। यही तीन शर्तें थी जिसके आधार पर नागरिकता दी गई। अब बात करते हैं कि अब किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है। तो नागरिकता देने का प्रावधान 5 प्रकार से है और उन 5 प्रकारों का उल्लेख इस प्रकार है। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग में भाग 2 बात करता है नागरिकता की, जो अनुच्छेद है 5 से 11, जिसमें अनुच्छेद संसद को विधि बनाने का अधिकार है, मतलब नागरिकता के ऊपर विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। तो सर्वप्रथम नागरिकता के लिए अधिनियम कब आया, तो 1955 में नागरिकता के लिए अधिनियम आया, यही अधिनियमित हुआ। और इसमें भारत की नागरिकता कोई लेना चाहता है तो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। कौन कौन सा प्रकार है वो, पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश क्रम के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण मतलब कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर, चौथा है देशीकरण या नागरिकता के आधार पर, और पांचवा है अधिकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है। इन 5 प्रकारों से नागरिकता ली जा सकती है। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि नागरिकता कैसे ली जा सकती है। अगर हम बात करें जन्म के आधार पर नागरिकता, बहुत ही बाह्यात और ये समझ लीजिए कि बहुत ही खराब ये नियम था जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कोई विदेशी भी है तो वो आकर के दोनों मतलब पति पत्नी आकर के भारत में घूमने आए, मान लीजिए ताजमहल देखने आए, लाल किला देखने आए और एक हफ्ता तक रह गए, वहीं उनका बच्चा पैदा हो गया, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार था। ऐसे आतंकवादियों का भारत में बहुत ज्यादा वो हो गया कि घूमने आते थे और यहीं पर अपना बच्चा पैदा कर देते थे और उनके बच्चे को क्या होता था, भारत की नागरिकता मिल जाती थी, तो बहुत ही बेकार था। अब क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ। पूछेगा नागरिकता अधिनियम कब आया, तो 1955 में आया। मूल संविधान में नागरिकता अधिनियम था, नहीं था। पहली बार संशोधन कब हुआ, तो 1986 में संशोधन हुआ। संशोधन होकर के 1 जुलाई 1947 से यह लागू हुआ कि जन्म अगर भारत में होता है तो नागरिकता यदि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, या फिर मतलब कि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है तो उसके माता पिता में से किसी एक की भी नागरिकता यदि मतलब भारतीय है वो माता पिता कोई एक, तो वो नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। तो ये जन्म से नागरिकता हुई, ठीक। अब ये क्या हुआ, 1987 से ये लागू हुआ। अब क्या हुआ, अब भी आतंकवादी चले आते थे, पता चला भारत में आकर के यहीं की कश्मीर वश्मीर की लड़की से प्यार मोहब्बत करके उनसे शादी रचा करके और वहीं बच्चा पैदा कर देते थे,
इनवैलिड रूप से रह करके यहीं बच्चा पैदा कर देते थे, अब उसको भी वो मिल जाता था नागरिकता। तब इस पर क्या हुआ, फिर से बवाल खड़ा हुआ, फिर से इसको संशोधन करके 3 दिसंबर 2004 में ये लाया गया कि माता और पिता में से कोई एक की भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन दोनों की वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि जो अवैध रूप से आकर के यहां बच्चा पैदा कर दिया है तो नहीं उसको नागरिकता मिल जाएगी, दोनों की, पिता की भी माता की भी वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब नागरिकता मिलेगी। अब दूसरा देखिए, वंशक्रम के आधार पर, वंशक्रम के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी, जैसे कि हमारे पिता आपके बाबा जी, आपको सभी को, मतलब कि 95% लोगों को नागरिकता इसी प्रकार से मिली है, ठीक है, वंश के आधार पर। हमको भी नागरिकता, हमारे पिता माता यहीं के हैं, उनको नागरिकता कैसे मिली, कि उनके पिता माता यहीं के थे इसलिए नागरिकता मिली, ठीक। तो हम सभी को नागरिकता वंश के ही आधार पर मिली है, ज्यादातर लोगों को, ठीक है। तो वंश क्रम के आधार पर नागरिकता कैसे, अभी मान लीजिए कि रजनेश सर हैं, और रजनेश सर ये सोचें कि यहाँ सब बच्चा पैदा करते हैं तो ऑपरेशन से करा देते हैं, हम ऑपरेशन अपनी बीवी का कराना नहीं चाहते हैं, तो अब क्या करें, हम चलेंगे अमेरिका और वहाँ से हॉस्पिटल में अपना बच्चा पैदा करवाएंगे, ठीक। तो वो वहाँ गए, अब उनका बच्चा पैदा हो रहा है अमेरिका में, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि उसके मम्मी और पापा कहाँ के हैं, उसके मम्मी और पापा भारत के हैं, ठीक है। तो ये होता है वंश क्रम के आधार पर नागरिकता, ठीक। जैसे सैफ अली खान और करीना कपूर का लड़का विदेश में पैदा हुआ तो ऑटोमेटिक उसको मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से वंश क्रम के आधार पर, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले पिता को मतलब कि पिता के आधार पर, वंश क्रम के आधार पर नागरिकता मिलती थी, यानी अगर पिता भारतीय है, विदेश में बच्चा पैदा हो रहा है, पिता भारतीय है तभी नागरिकता मिलेगी, माता अगर भारतीय है और पिता विदेश का है तब नागरिकता नहीं मिलेगी। बवाल खड़ा हो गया इस पे कि ऐसे कैसे, केवल पिता के आधार पर। अब मान लीजिए कि सानिया मिर्जा वाला केस ले लीजिए, सानिया मिर्जा भारत की है, अभी भी भारत की नागरिकता अपनाए हुए है, और उसका पति सोहेब मलिक पाकिस्तान का है, तो क्या उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों, क्योंकि 10 दिसंबर 1992 में ये संशोधन किया गया, 10 दिसंबर 1992 के पहले तो पिता के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता मिलती थी, लेकिन ये संशोधन किया गया, अब ये कहा गया कि पिता और माता में से कोई एक यदि भारतीय है तो उस बच्चे को क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको संशोधन किया गया, जैसे देख लीजिए कि अभी अंजुआ जो भाग के गई है राजस्थान के भिवाड़ी से, जो पाकिस्तान में नरुल्लाह से शादी कर ली है, वहां जाकर के फातिमा बन गई है, तो उसके चाहे पाकिस्तान कमा लीजिए कि नागरिकता नहीं लेती है, नागरिकता तो उसका भारत का है, तो वो चाहे तो उसका बच्चा पैदा हो रहा है तो वो चाहे वो अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलवाना तो दिला देगी, क्यों, क्योंकि वंश क्रम के आधार पर उसके बच्चे को क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा, ठीक। अब आता है पंजीयन के द्वारा, इसी आधार पर सीमा हैदर अपनी नागरिकता के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रही है कि हमको नागरिकता मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, नागरिकता कहां से मिलती है, गृह मंत्रालय से मिलता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहां करना पड़ता है, गृह मंत्रालय में करना पड़ता है, और क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, क्या क्या वैलिड होना चाहिए कि हम नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो मेनली समझ लीजिए कि अगर आप 7 सालों से, अगर कोई विदेश का नागरिक 7 सालों से भारत में रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपना दर्ज करा सकता है कि हमको भारत की नागरिकता दे दी जाए। आइए डिटेल समझते हैं, पिछले 7 साल से भारत का निवासी हो तब वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, या भारतीय मूल का कोई नागरिक है विदेश में जाकर के रह रहा है तो वो उसको क्या मतलब वो भी अर्जी लगा सकता है, फॉर्म भर सकता है, लेकिन 7 सालों से क्या होना चाहिए, भारत में निवास करना कर रहा हो तभी वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। किसी भारतीय से शादी किया हो, अगर मान लीजिए कि कोई विदेशी लड़की हो, जैसे युवराज सिंह की बीबी है, चाहे वो चहर की बीबी है, तो वो विदेशी है सब, भारत में आकर के शादी कर ली तो तुरंत उनको नागरिकता नहीं मिल जाएगी, 7 साल उनको व्यतीत करना पड़ेगा उसके साथ, तब जाकर के वो अप्लाई कर सकती हैं। सीमा हैदर वाला केस सुन लीजिए, अभी वो शादी करके आई है और अभी चाहे वो मिल जाएगा नहीं मिलेगा, 7 साल वो गुजार रहे सचिन के साथ, तब जाकर के वो अप्लाई करेगी, और ये भी नहीं है कि अप्लाई हम कर दिए तो मिल ही जाएगा, नहीं मिल जाएगा। जैसे कोई बीएड कर लिया तो ये कहते कि हम बीएड कर लिए हम सरकारी मास्टर हो गए, नहीं, बीएड तुम्हारे पास डिग्री हो गया, अब तुम टेट आएगा भरोगे, सुपर टेट आएगा भरोगे, भरने के लिए अप्लाई हो, मास्टर होना ना होना ये बात की बात है, ठीक है। तो ये भी अब अप्लाई कर पाएंगी कि हम इसके लिए अप्लाइड हैं, लेकिन गृह मंत्रालय इनको देगा कि नहीं देगा ये उसके ऊपर है। विदेश में जन्मा भारतीय मूल के माता पिता का नाबालिग संतान, जैसे मान लीजिए कि कोई पहले भारत में रहता था, कोई दंपति था भारत में रहता था, और वो विदेश में जा करके अब वहां रह रहा है,
वहां की नागरिकता हासिल कर लिया है, उसका बच्चा जब पैदा हो रहा है तो चाहे तो वहां की नागरिकता न दिला करके भारत की नागरिकता दिलाना तो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जिसके माता पिता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो, मतलब कि 7 साल, कोई विदेशी हो 7 सालों से रह रहा हो भारत में और उसको नागरिकता प्राप्त हो गई हो, तो पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त व्यक्ति को, मतलब कि उसके बच्चे को नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। कोई अभिभावक पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक हो, यानी जब भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से कोई विदेशी भारत का नागरिक हो और अब जाकर के वो विदेश में रह रहा हो, तो भी उसका बच्चा क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। देना ना देना ये तो बात की बात है, ये रजिस्ट्रेशन के आधार पर हो गया। चौथा क्या है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। अब देशीयकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिल जाएगी, जैसे बहुत लोग भारत में क्या है कि जैसे मिल्खा सिंह थे, कादर खान थे, तो ये पाकिस्तान के थे लेकिन इनको भारत की नागरिकता प्राप्त थी। कैसे प्राप्त थी, उसको कला और विज्ञान में रुचि हो, साथ ही साथ जो संविधान की 22 भाषाएं हैं किसी एक भाषा में पारंगत ज्ञान रखता हो, मतलब खूब अच्छे से बोल लेना, लिख लेना, पढ़ लेना, मतलब उसमें पारंगत हो वो हो, और पिछले 10 सालों से भारत में निवास कर रहा हो। ये नहीं कि आए घूमने आए 6 महीना हमको भारत बहुत अच्छा लगा है नागरिकता मिल जाएगी देशीकरण के अंदर, नहीं 10 साल रहना पड़ेगा तब जाकर के यहाँ की संस्कृति सभ्यता को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ की नागरिकता के लिए देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी। ठीक, और पांचवा अंतिम क्या है, अधिग्रहण द्वारा नागरिकता। अब इसको समझिए कि ये क्या है, जैसे कि सिक्किम को जब अपने भारत में मिलाया गया तो वहां के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई, किसके द्वारा, इसी के द्वारा। जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना, पहले तो स्वतंत्रता जब मिली तो पांडिचेरी नहीं था भारत का हिस्सा, लेकिन जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भी वहां के नागरिकों को वहां भारत की नागरिकता दे दी गई। किस आधार पर, तो अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, अब इन 5 आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है, और छीनी कैसे जा सकती है, नागरिकता से कैसे उसका समापन किया जा सकता है, तो उसके लिए 3 आधार हैं, नागरिकता देने का 5 आधार और नागरिकता छीनने का 3 आधार। वो 3 आधार कौन कौन सा है, त्याग, बर्खास्त और वंचित। त्याग क्या है, जैसे कोई व्यक्ति जाकर के पाकिस्तान में पाकिस्तान या फिर कहीं जाकर के रहने लगा और वहां की नागरिकता ले लिया, जैसे अंजुआ है, अब अंजुआ जाके वहां पाकिस्तान में उसे नरुल्ला से शादी कर ली है, तो वहां की जब नागरिकता ले लेगी तो ऑटोमेटिक वहां यहां से उसको हटा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा त्याग। बर्खास्त, अब समझ लीजिए जैसे आप पागल उगल हो गए हैं, ठीक है, कोई विदेश से आ रहा है घूमने के लिए, उसको ऊपर जाकर थूक दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, ठीक, तो सरकार आपको पागल उगल जान करके आपकी नागरिकता ही खत्म कर सकती है। ठीक, तो वो बर्खास्त के आधार पर। वंचित समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप पिछले 7 साल से दिखा करके सरकार को, या फिर 10 साल से दिखा करके देशीकरण के आधार पर, या फिर 7 साल से दिखा करके पंजीयन के द्वारा आप नागरिकता ले लिए हैं, लेकिन सरकार जब जांच करती है तो मालूम चलता है कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है, 7 साल से नहीं, तो 6 महीना से रह रहा है, 2 साल से रह रहा है, तो इस आधार पर आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, वंचित कर दिए जाएंगे आप नागरिकता से। तो ठीक, तो भारत की नागरिकता देने का अधिकार 5 प्रकार से और छीनने का अधिकार 3 प्रकार से। अब हम जानते हैं कि सीमा हैदर को नागरिकता भारत की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, मिलने के लिए चांस कहां से है, जन्म के आधार पर मिलेगी नहीं, वंशक्रम के आधार पर मिलेगी नहीं, पंजीयन के आधार पर मिल सकती है, देशीकरण के द्वारा जब वो 10 साल कम से कम निवास करेगी तभी मिलेगी, अधिग्रहण द्वारा तो मिलेगी नहीं, अब पंजीयन के द्वारा भी वो शादी की है किसी भारतीय पुरुष से तो भी उसको 7 साल उसके साथ निवास करना पड़ेगा, 7 सालों के बाद ही इसको नागरिकता मिल सकती है। वो भी किस आधार पर, जब आदमी वैध रूप से आया रहता है भारत में तब उसको नागरिकता मिलती है। सीमा हैदर तो अवैध रूप से आई है, दुबई नेपाल जाकर के नेपाल के रास्ते बॉर्डर क्रॉस की है, तो ये अवैध रूप से है, भारत सरकार इसको नागरिकता देगी कि नहीं देगी ये गृह मंत्रालय के ऊपर है, होम मिनिस्ट्री के ऊपर है कि इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्लास आज की आप लोगों को पसंद आया होगा, और हम भारत के नागरिक हैं किस आधार पे हैं ये आप बता सकते हैं। अब किसी से पूछने पर वो न बता पाए तो उसको जवाब दे सकते हैं, ये इतना आप समझ गए होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके कि हम अगर भारत के नागरिक हैं तो हम किस प्रकार से भारत के नागरिक हैं। ठीक है, किस प्रकार से भारत के नागरिक हैं, तो दूसरे तक भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, बेल आइकन दबा लीजिएगा ठीक, ताकि सबसे पहले पहुंच सके।
हम आपके लिए रोज ऐसे ही हमेशा रियल न्यूज लेकर के आते हैं। देश दुनिया विदेश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी बातें आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।